हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने में यूट्यूब में पांच खुफिया सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप जो है यूट्यूब को ज़रूर यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको इन पांचों खुफिया सेटिंग के बारे में पता नहीं होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पता नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा सेटिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ गया हूं। अब मैं अपने यूट्यूब के अंदर चला जाता हूं। देखिए दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब के अंदर आ गया हूं। अब मैं आपको वही पांचों सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सेटिंग ये बताऊंगा आपको कि जब हम अपने यूट्यूब को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी ख़राब वीडियो आ जाती है, गंदी वीडियो आ जाता है, जिसकी वजह से पसंद नहीं आता वो वीडियो। अगर हम ये चाहते हैं कि वो वाला वीडियो ना आए हमारे होम स्क्रीन पर, फिर भी आ जाता है, तो हम उस वीडियो को हटा भी सकते हैं। तो जैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद नहीं है और हम सोचते हैं कि ये वाला वीडियो हमारे होम स्क्रीन पर ना आए, फिर भी आ जाता है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए देखिए, वीडियो के नीचे में ये जो थ्री डॉट है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है नॉट इंटरेस्टेड। जब आप इसको दबा देंगे तो ये वाला वीडियो हट जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला वीडियो हट गया है। तो ये था हमारा पहला सेटिंग। अब हम चलते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। तो दूसरा सेटिंग हमारा ये है कि जब हम अपने YouTube में किसी भी वीडियो को देखते हैं तो क्या होता है कि वो सब वीडियो जो है हमारे YouTube के हिस्टोरी के अंदर आकर के जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा, कोई भी लोग हमारे YouTube के हिस्टोरी को चेक कर सकता है कि हमने अपने मोबाइल में कौन सी वीडियो देखा है और नहीं देखा है, ठीक है दोस्त। और क्या होता है, जैसे मैं अपने हिस्टोरी के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि जितना मैंने वीडियो देखा है, तो वो सब सारे वीडियो यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से आप भी देख सकते हैं कि मैंने ये सब वीडियो देखा है और मैंने क्या क्या सर्च किया है, वो सब भी देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग बताऊंगा कि जब आप उस सेटिंग को इनेबल कर लेंगे तो ना आपका ये लिखा हुआ यहाँ पर शो करेगा और ना कोई भी वीडियो देखा हुआ आपके यूट्यूब हिस्टोरी में जमा होगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले लोगों पर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग में आइए, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोरी एंड प्राइवेसी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा। जो सबसे पहले आप ऊपर वाला जो ऑप्शन है क्लियर वॉच हिस्टोरी, पहले आप इस पर दबा के नीचे से दबा दीजिए, फिर इसको भी इसी तरह कर दीजिए। फिर ये जो ये दोनों है, आपको इन दोनों को इनेबल कर देना है। तो मैं इनेबल कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम किसी भी वीडियो को अपने YouTube में सर्च करेंगे या देखेंगे तो हमारे YouTube की हिस्टोरी में आकर के जमा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेटिंग। अब हम चलते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा सेटिंग हमारा ये रहेगा कि जैसे कि अगर समझो कोई एक घंटे का वीडियो रहता है, अगर हम उस वीडियो को देखेंगे तो एक घंटा ही देखना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ कि वही एक घंटा वाला वीडियो जो है आप आधे घंटे में या पौन घंटे में आराम से देख सकते हैं। उसके लिए आप ये देखिए यहाँ पर जो है वीडियो के ऊपर में थ्री डॉट, आप इस पर दबाइए। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ ये ऑप्शन स्पीड जो लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से जो है आप अपने वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हैं और स्पीड भी करके देख सकते हैं। देखिए मैं स्पीड करके वीडियो को दिखा देता हूँ किस तरह से बज रहा है। तो देख लिए दोस्तों कितना ये वीडियो जो है स्पीड हो गया था। तो इसी तरह से आप जो है अपने वीडियो को स्लो या स्पीड करके अपने मर्जी से चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेटिंग। अब हम चलते हैं चौथे सेटिंग की तरफ। तो चौथा सेटिंग हमारा ये है कि जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी कोई वीडियो अच्छा क्वालिटी में नहीं दिखता है, यानी साफ नहीं दिखता है। अगर हम चाहते हैं कि उस वीडियो को साफ करके देखें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो के नीचे जो थ्री डॉट है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है वह क्वालिटी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये सब कुछ ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो देखिए मैं अपने बढ़ा के दिखाता हूँ।
तो अपने मैं वीडियो का क्वालिटी जो मैंने बढ़ा दिया, तो आप यहाँ से अपने वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हमारा चार सेटिंग। अब हम चलते हैं पाँचवें सेटिंग की तरफ। तो पाँचवा सेटिंग हमारा ये रहेगा कि जब हम किसी भी वीडियो को देखते हैं, अगर उस वीडियो को भगाना होता है तो हम जो है इस तरह से भगाते हैं, जिसकी वजह से कम या ज़्यादा भग जाता है। लेकिन दोस्त, आज मैं आपको कुछ ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ कि आप जो है वीडियो को 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड आप भगा सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक। तो उसके लिए आप जो है आप अपने लोगो पर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग में आइए, फिर आप जनरल पर क्लिक कीजिए, फिर देखिए दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है डबल टाइप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है अपने वीडियो को 5 सेकंड भगाना चाहते हैं या 10, 15, 20, 30, 60, आप कितना भगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, अब देखिए वीडियो को भगाना किस तरह है। तो वीडियो जब चालू कर लेंगे हम, तो वीडियो के साइड में अगर हम दाएँ साइड में अगर डबल टाइपिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों 10 सेकंड वीडियो भग गया है। तो आप इसी तरह से जहाँ जितना वहाँ से सेट करेंगे उतना ही सेकंड यहाँ से वीडियो भगेगा। तो ये थी 5 सेटिंग जो मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5ों सेटिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।